वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 20 लोगों की स्क्वाड हो चुकी है अनाउंस, तो कौन से प्लेयर्स किसको मिला है मौका, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि अभी मतलब एक वीक ही बचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, और न्यूजीलैंड के लिए काफी बुरी खबरें सामने आ रही है। मिशेल सेंटनर आउट हो चुके हैं, रूल आउट कर दिए गए टेस्ट सीरीज से। उसके साथ ही साथ केन विलियमसन को भी सेकंड टेस्ट मैच में रेस्ट दी है, और उसके चलते हुए मतलब अभी अगर केन विलियमसन की अगर इंजुरी बढ़ती है, एल्बो इंजुरी इनको हुई है वो, तो अगर वो बढ़ती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान भी उनको कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है। तो न्यूजीलैंड की पूरी स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट इंडिया की स्क्वाड जो है वो कन्फर्म हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और उसके साथ ही साथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है वो इंडियन टीम की, तो उसके लिए भी वही सेम स्क्वाड रहेगी। तो वही जान लेते हैं कि 20 लोग कौन है और क्या यंगस्टर्स को मौका मिला है, या फिर सीनियर प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे खेलेंगे ज्यादा। पर देखो, अभी मतलब ये जो स्क्वाड है वो कल अनाउंस हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आपको सबको मालूम होगा कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे वाइस कप्तान है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी को यहाँ पे मौका मिला है, ऋषभ पंत तो है ही, रविंद्र चंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल को भी मौका मिला है अच्छा से यहाँ पे, वॉशिंगटन सुंदर भी है स्क्वाड में, जसप्रीत बुमराह, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, सिराज, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव, ये तो पक्का मतलब रहते ही हमेशा। उमेश यादव थोड़ी सी वापसी करेंगे, थोड़ी सी इंजोर हुए थे, हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में थोड़ा सा कुछ तनाव महसूस कर रहे थे, तो वो स्क्वाड से बाहर हो चुके थे। फिर ईशान शर्मा को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो ईशान शर्मा भी आउट हो चुके थे उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली होगी कि इंजुरीज का सवाल जो है वो बिल्कुल भी कैसा रहता है, क्योंकि अगर इंजुरीज ज्यादा होती है तो बिल्कुल भी खतरा हो सकता है प्लेयर्स को, इंडियन टीम को। तो इंडियन टीम की ये पूरी की पूरी स्क्वाड है, और यहाँ पे केएल राहुल और रिद्धिमान सहाय है वो 19 और 20वें प्लेयर से, जो 20 प्लेयर की स्क्वाड अनाउंस किए उसमें से। तो यहाँ पे इन दोनों का नाम यहाँ पे बाद में शामिल होगा, ये फिटनेस टेस्ट कुछ क्लियर करना होगा, इनका फिटनेस थोड़ा सा चेक होगा, फिर बाद में ये स्क्वाड के अंदर है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन चल रहा है कि मतलब कितना फिटनेस है उनका, क्योंकि हमने देखा था कि रिद्धिमान सहाय को थोड़ा सा कोविड से परेशान थे वो, तो अगर वो ठीक होते या फिर फिटनेस टेस्ट क्रैक करते तो यही है 20 लोगों की स्क्वाड जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के सीरीज के लिए। स्टैंड बाय प्लेयर्स की अगर बात की जाए, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम यहाँ पे शामिल है, ये भी बंदा बहुत सही है, और उसके साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी है। तीसरा यहाँ पे आवेश खान है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनको यहाँ पे श्रीलंका के दौर में उनको चांस नहीं मिला था, नेट बॉलर्स के लिस्ट में भी शामिल नहीं थे, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी यहाँ पे T20 में ऋषभ पंत के कप्तानी के अंडर, तो बिल्कुल भी ये बनता था इनका नाम कहीं ना कहीं, तो स्टैंड बाय में अभी रखा गया आवेश खान को भी। और यहाँ पे चौथा प्लेयर यहाँ पे स्टैंड बाय में से है वो है अरजान नागवास वाला। ये चार ये जो प्लेयर्स है वो बिल्कुल भी अभी स्टैंड बाय पे रखे गए हैं, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे 24 प्लेयर्स की स्क्वाड है, और उसमें से 20 प्लेयर्स जो है वो कंफर्म स्क्वाड के अंदर है, और चार नाम जो है वो बिल्कुल भी स्टैंड बाय के अंदर है। तो देखते हैं कि बहुत ही एक मजा आने वाला है, बहुत ही एक तगड़ा ये मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके बाद में श्रीलंका की सीरीज के लिए निकल जाएगी टीम इंडिया, जहां पे 13 जुलाई से 25 जुलाई तक यहाँ पे मुकाबला चलेगा, उसके बाद में यहाँ पे इंग्लैंड के साथ यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें यही स्क्वाड सेम स्क्वाड के साथ यहाँ पे उतरेंगी टीम इंडिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर मैंने आपको वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने रहता हूँ इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं इस वीडियो आपके सामने रहता हूँ तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।